हेलो गाइज, रेडमी 9 प्राइम, रेडमी 9 पावर, पोको M3, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस में अपकमिंग अपडेट कौन सा देखने के लिए मिलेगा एंड अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, बात करेंगे इस अपडेट के कॉन्फर्म डेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं कि अपडेट में आप लोग को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप भी हैं इन डिवाइस में से कोई भी डिवाइस के यूजर्स, तो यार वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं रेडमी नोट 9 प्रो एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स डिवाइस के बारे में। ये दोनों डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 13.0.2.0 का, गाइस आपके डिवाइस में बहुत ही जल्द एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है जिस अपडेट का वर्जन में भी होगा MIUI 13.0.3.0 का। गाइस ये अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 100 MB से लेकर 600 MB के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। सो अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो देखो यार हो सकता है कि आप लोग को मिड अप्रैल तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो आप अलर्ट रह के अपडेट को चेक करते हैं ना। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो वो आता है रेडमी 9 प्राइम का। ये डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 13.0.3.0 का, गाइस ये भी डिवाइस में बहुत ही जल्द एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलेगा जिस अपडेट का वर्जन में भी होगा MIUI 13.0.4.0 का। गाइस आप लोगों को इस अपडेट में कोई भी न्यू फीचर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड गाइस ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 400 MB से लेकर 600 MB के अंदर में ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो यार हो सकता है कि आप लोगों को ना मिड अप्रैल तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में तो वो आता है पोको M3 एंड रेडमी 9 पावर का। ये दोनों डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है जिसका वर्जन है MIUI 13.0.1.0 का। ये अपडेट के साथ में आप लोगों को एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट देखने के लिए मिल गया था। सो गाइस उसके बाद से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट भी देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस आपके डिवाइस में एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है जिस अपडेट का वर्जन में भी होगा MIUI 13.0.2.0 का। ये अपडेट में आप लोग को कोई भी न्यू फीचर से देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यार अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है ना वो और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि इस अपडेट में आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को एनहांस कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होगा उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। एंड ये अपडेट का फाइल साइज आप लोग को 400 MB से लेकर 600 MB के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें कि अपडेट कब तक देखने के लिए मिल सकता है, और हो सकता है कि आप लोग को मिड अप्रैल तक अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, सो आप अलर्ट रह के अपडेट को चेक करते आना। एंड गाइस अपडेट जो देखने के लिए मिलेगा तो आप कंटिन्यू में डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो आपके डिवाइस में कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे यार इन सारे डिवाइस में फ्यूचर में जब भी कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना स्टार्ट होगा तो यार आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे इसी चैनल पे नई वीडियो के जरिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।